हेलो दोस्तों, ये मेरा रेड टेल पेयर का एक बेबी है। एक शुरू में एक्सपायर हो गया था और एक ये रह गया था। अब जब ये इस एज में आया है तो इसके जो मोम डैड हैं उन्होंने इसे फीड करवानी बंद कर दी अचानक से और नई जगह पर उन्होंने एग ले कर लिए हैं। अब ये हरकत उन्होंने थोड़ा सा हीट पे ज़्यादा होने की वजह से की है, लेकिन मैं देखता रहा हूँ, चेक करता रहा हूँ, बिल्कुल इसको फीड नहीं करवा रहे थे। अब मैंने इसको सेपरेट कर लिया है और ख़ुद फीड करवा रहा हूँ और हैंड फीड से इंशाल्लाह इसको मैं कोशिश करूँगा पालने की। पालने वाली ज़ात तो रब की ज़ात है, हम तो कोशिश कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो है ज़रूर परवान चढ़ेगा। आपके साथ भी अगर कभी ऐसा हो जाए तो आप भी आसानी से इसे, जो साथ आप सरिंज देख रहे हैं, कोई सी भी सरिंज 10 रुपये मार्केट में मिल जाती है। ज़्यादा आपको कॉस्टली ये सरिंज लेने की ज़रूरत नहीं है। 10-20 रुपये भी जो आपको मिल जाए आसानी से वो ले लें, पर एक पाइप लगा लें। मार्केट में आपको हैंड टेम के लिए 500-600 रुपये की जो है अवेलेबल होंगी सरिंजें, वो हरगिज़ ना लीजिए, बल्कि सादा सी लें और आप भी इस तरह से हैंड टेम करवा सकते हैं कोई भी बेबीज़ अगर आपका पिजन का। बाज़ूकात कमज़ोर रह जाते हैं, एक बड़ा हो जाता है और एक छोटा रह जाता है, तो फिर भी आप इस तरीके से अलग करके उसे खुद आप फीड करवा सकते हैं। दोस्तों, बर्ड से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।